कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं कृषि संघ अध्याय 16 क्षेत्र मिति। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना 14 मीटर है। इसके हल को देखेंगे तो हमारे पास में, क्योंकि वृत्त का यहाँ व्यास दिया है, वृत्त का व्यास मतलब डायमीटर दिया है कितना 14 मीटर। इसलिए वृत्त की क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है किसका, व्यास की आधी होती है, उसकी त्रिज्या व्यास बटे 2। मतलब क्या, हम संकेतार त्रिज्या रेडियस के लिए लिए तो डी बटे 2। आर बराबरी से डी मतलब 14/2। 14 में जब 2 का भाग देंगे तो आर अर्थात त्रिज्या कितनी जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। हमारे पास का है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबरी से पाई आर स्क्वायर। ए बराबरी से पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, ए पाई मतलब 22/7, आर की घात 2, 7 की घात 2, 1 7 से 1 7 कट गया, 22 का 7 में गुणा, तो ए बराबरी से 7 × 14 = 4 हासिल किए, 7 × 14 = 15, 156 वर्ग मीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान से ये प्रश्न था। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।